एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पार्टी वियर गाउन कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर नेट ली है इस तरीके की, आप देख सकते हैं। ये इस पर बॉर्डर दिया गया है, ये मैं स्लीव्स में यूज़ करूँगी। और इसके बाद यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है, तो फैब्रिक हमारा यहाँ पर 3 मीटर है, 3 मीटर से हमारा ये बन जाएगा। तो अभी हम फैब्रिक को ओपन करके और यहाँ पे हमने सर्कुलर टाइप में इसको फोल्ड करके बिछा लिया है इस तरह से। तो 5 मीटर फैब्रिक है हमारा, इसी से हम इसके नीचे का ट्राउज़र भी बना लेंगे। तो ऊपर से कमर हमने ले ली है 12 इंच पे, क्योंकि इसमें प्लेट मैं ऐड करूँगी, तो उसी के हिसाब से मैंने इसकी 12 इंच कमर ले ली है इस तरह से। और इसको मैंने हल्की हल्की सी राउंड शेप में मार्क कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम नीचे वाली लेयर से हमारी इसकी लेंथ रख लेंगे। तो पूरे फैब्रिक से पहले आपको इसी लेयर्स को निकाल लेना है। तो इसकी लेंथ हमने यहाँ पे ली है 37 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हो। तो लॉन्ग गाउन में बनाने वाली हूँ, तो मैंने 37 इंच इसकी लेंथ ली है। और इसके बाद इसको डार्क कर दिया है मार्क को, इसके बाद जहाँ पर हमने मार्क दिया था वहीं से इसको कट कर देंगे। तो कमर से हमने कट कर दिया है, इसके बाद बीच में नोटिस दे दिया है, इसके बाद नीचे से भी इसको कट कर देंगे। सो यहाँ से भी हमने इसको कट कर दिया है इस तरह से। और इसके बाद जो हमारा फैब्रिक है उसको मैंने निकाल दिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब इसको इस तरह से रखते हुए स्टिचिंग लगा लेंगे। तो दोनों को इस तरह से रखना है, दोनों पार्ट्स को, और इधर वाले पार्ट्स को भी स्टिचिंग लगा देंगे। दोनों साइडों से ऑफ कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पे टॉप पार्ट को कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट के लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करके बिछाया है। इसकी लेंथ ले लेंगे हम 16 इंच, और ऊपर से हम शोल्डर साइज लेंगे 7 इंच, और यहाँ पे आर्मोल ले लेंगे 8 इंच। तो शोल्डर हमने 1 इंच कम रखा है, आप चाहो तो दोनों को 8-8 इंचेस भी रख सकते हैं। इसके बाद ब्रेस्ट को मार्क कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको स्ट्रेट मार्क कर दिया है इस तरह से। और ब्रेस्ट की जो विड्थ है वो हम ले लेंगे यहाँ पे 11 इंचेस। तो हमने इसको 11 इंचेस पे मार्क किया, और नीचे से वेस्ट ले लेंगे हम 10 इंच। तो 10 इंच पे इसको मार्क कर दिया है हमने। इसके बाद 1 इंच डीप रखना है शोल्डर को, तो डीप मार्क कर दिया है थोड़ा तिरछा सा। इसके बाद हम इसको कर्व शेप में मार्क कर देंगे आमूल को, और ये हमारा फ्रंट वाला रहने वाला है हल्का सा अंदर को। इसके बाद दोनों मार्क को इस तरह से मिला देंगे, और ये हमारा मार्जिन का रहेगा। तो दोनों मार्क हमने कर दिए हैं इस तरह से। इसके बाद साइडों से 1 इंच डीप रखना है, ताकि हम नीचे वाले लेयर्स को इसमें जॉइंट करें तो साइडों से लटके नहीं। इधर से हमने 3 इंच पर मार्क दिया है इसको, और इस तरह से इसको डीप कर देना है। जो हमने 3 इंच पे मार्क दिया है, यहाँ पे हम डार्ट ऐड करेंगे। तो 4 इंच की लेंथ रख लेंगे इसकी, और इसको स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद डार्ट की शेप में मार्क कर दिया है, यहीं से हम इसको पकड़ते हुए स्टिचिंग लगा लेंगे इसी शेप में। अब जहाँ जहाँ पे हमने इसको मार्क दिया है वहीं वहीं से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसको कट कर दिया है इस तरह से। इसके बाद इसको नोटिस लगा देंगे हम यहाँ पे भी, और जो डार्ट को मार्क किया है यहाँ पर भी। तो हमने इसको नोटिस दे दिए हैं। अब इसमें से हम अपना फ्रंट वाला पार्ट ले लेंगे, और इसको हम फिर से डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। जो हमने आमोल को अंदर को मार्क दिया था वहीं से हमने इसको कट कर दिया है। अब इसके बाद हमने इसको सीधा करके बिछाया है, तो सीधा ही बिछाना है यहाँ पे, और बीच में हमने इसको स्ट्रेट आयरन से कर दिया है। आप चाहो तो मार्क भी कर सकते हो। इसके लिए हमने नेक लिया है गाइस, रेडीमेड नेक है, और इसको भी बीच में कट दिया है, और यहीं पे हम इसको मार्क भी कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल बीचों बीच लगाना है। और इसको यहाँ पे स्टिचिंग लगा लेनी है। तो हमने इसको स्टिचिंग लगा दी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हमारा टॉप पार्ट का, इसको कट कर देंगे नेक से मिलाते हुए। सो हमने इसको कट कर दिया है। अब इसको हम छोटे छोटे से कट दे देंगे। सो यहाँ पे हमने कट दे दिए हैं, कट इसलिए दिए हैं ताकि जो नेक की फिनिशिंग है वो सीधा होने में अच्छे से आ जाए। तो अभी हम इसको सीधे की साइड पे टर्न कर लेंगे, और सीधे की साइड पे टर्न करने के बाद गाइस यहाँ पे हम इसको नीडल की हेल्प से स्टिच करेंगे, हैंड स्टिच कर लेंगे ऊपर से भी और नीचे से भी। तो हमने इसको हैंड स्टिच कर ली है, मशीन से नहीं हो पाएगी गाइस, तो इस तरह से आपको टाँके निकाल देने हैं। इसके बाद जो हमने डार्ट का मार्क दिया था वो हमने दूसरी साइड पे भी कर लिया है सेम, यहीं से हम इसको स्टिचिंग लगा देंगे इसी शेप में, दोनों साइडों से डार्ट को ऐड कर देंगे। सो हमने इसको स्टिचिंग लगा दी है, दोनों साइडों से डार्ट ऐड कर दी है। अब इसके बाद यहाँ पे हम बैक वाला पार्ट ले लेंगे। तो बैक वाले पार्ट को ले लिया है हमने। अब इसके ऊपर हम फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे।
तो सेम फ्रंट वाले नेक के जितना ही हम बैक वाले नेक को रखेंगे। इसके ऊपर हमने इसको रख लिया है। अब यहीं से हम इसको कटिंग कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन का बचाते हुए कट किया है गाइस। अब इसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रिप ले लेंगे और स्ट्रिप को हमने रेब में कट किया है। इसके बाद स्ट्रिप को डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रख लेंगे, पूरे को स्टिचिंग लगा देंगे। और इसके बाद यहाँ से हम इसको अंदर की साइड पर टर्न करते हुए स्टिचिंग लगा देंगे। तो हमने इसको स्ट्रिप लगा दी है और डार्ट भी ऐड कर दी है सेम फ्रंट वाले की तरह। अब फ्रंट वाला पार्ट हम इसके ऊपर रख लेंगे इस तरह से और स्टिचिंग लगा लेंगे, दोनों को जॉइंट कर देंगे। इसके बाद फिटिंग की स्टिचिंग लगा लेंगे दोनों साइडों से। सो इसको हमने दोनों के शोल्डर को जॉइंट करने के बाद फिटिंग लगा दी है। इसके बाद हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने वही नेट वाला फैब्रिक लिया है और इसी फैब्रिक से हम शर्ट भी बनाएंगे गाइस, नेट वाले फैब्रिक से। उसका वीडियो भी मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करूँगी। सो स्लीव्स की लेंथ यहाँ पे हमने ली है 20 इंचेस इस तरह से, और ऊपर से हम इसको 12 इंच इसकी विड्थ और नीचे से मोहरी भी 12 इंच, तो सेम साइज़ का रखेंगे क्योंकि मैं लूज स्लीव्स बनाने वाली हूँ। तो यहाँ से हमने 2 इंच पे मार्क दे दिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन का, और इसको इस तरह से डीप मार्क कर देना है अमोल की शेप में। तो हमने इसको मार्क कर दिया है, सिंपली एक ही मार्क करना है इसको और यहीं से इसको कट कर देना है। जैसे हमने मार्क दिया है इसी शेप में हमने इसको कट कर दिया है। इसके बाद नोचेस दे देंगे हम इसको यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे एक स्लीव्स को अलग निकाल देंगे और एक को हम रेडी कर लेंगे। तो इसको मैंने रख लिया है इस तरह से सीधा करके, और जो बीच में नोचेस दिया है यहीं पे हम इसको 2 प्लेट्स ऐड कर देंगे। दोनों का फेस फेस टू फेस रखते हुए स्टिचिंग लगा लेंगे और इसके बाद यहाँ से हम फिटिंग वाली स्टिचिंग लगा देंगे। तो देख सकते हैं हमने प्लेट्स को कुछ इस तरीके से इसमें ऐड किया है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे वाली स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अब इसके बाद नीचे वाले लेयर्स को हमने दोनों साइडों से स्टिचिंग लगा दी है और टॉप पार्ट हमने ले लिया है। तो बीच वाला नोटचीज यहाँ पे बीच में रखना है टॉप पार्ट के, और जहाँ पर हमारी टॉप पार्ट की डार्ट आ रही है बिल्कुल वहीं पर यहाँ पे इसको डार्ट ऐड करनी है लेयर्स को, जैसे हमने स्लीव्स को की है सेम इसी तरीके से। तो हमने यहाँ पे इसको सेफ्टी पिन यूज़ किया है। सेम इसी तरह से दूसरे वाली साइड पर डार्ट ऐड करनी है, वो सॉरी प्लेट ऐड करनी है डार्ट की ही सीध में बिल्कुल। तो यहाँ पर भी हमने सेफ्टी पिन लगा दिए हैं। अब हम इसको स्टिचिंग लगा लेंगे। सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट पे करना है आपको डार्ट को ऐड। तो हमने यहाँ पे 4 डार्ट इसमें ऐड कर दी है, 2 फ्रंट पे और 2 बैक पे। अब इसको हम दो पार्ट में जॉइंट कर देंगे। इसके बाद हम स्लीव्स को इसमें ऐड करेंगे जो कि हमने रेडी करके रखी हुई है। तो शोल्डर आर्मोल में इस तरीके से इसको स्टिचिंग लगाते हुए सेट कर देंगे अच्छे से। सो यहाँ पर हमने इस तरह से लेयर्स को इसमें ऐड करने के बाद स्लीव्स भी जॉइंट कर दी है। इसके बाद नीचे से हम स्ट्रिप्स इसमें यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिप ले ली है और इसको हमने आयरन से सेट किया हुआ है। पूरी लंबी हमने एक फील बना ली है, इसमें जोड़ भी आए हैं बीच में, और डबल फोल्ड करते हुए इसको हमने आयरन की है। तो स्ट्रिप की जो लेंथ है वो हमने ली है गाइज 3 इंच, और इसकी विड्थ हमने इसी के अकॉर्डिंग ली है जितना हमारा घेरा था। अब सीधी साइड पे इसको रखना है इसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से रख लेना है, और पूरे राउंड पे इसको स्टिचिंग लगा देनी है। तो इससे इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आने वाली है। आप चाहो तो नीचे से सिंपल फोल्ड या फिर पिको वगैरह भी कर सकते हो, तो मुझे वो ये ठीक लगा तो मैंने यही किया है। इससे हमारे गाउन की जो फिनिशिंग है और इसकी शो है वो बहुत ही अच्छी दिखने वाली है गाइस। पूरे को हम इसको इसी तरह से स्टिचिंग लगा लेंगे। अब इसके बाद हम इसको एक स्टिचिंग इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे इसको सीधा कर लेंगे, और ये फैब्रिक इधर ही नीचे की साइड पे निकालना है, नीचे वाला जो फैब्रिक है, और पूरे को किनारे किनारे पे स्टिचिंग लगा लेंगे। तो हमने इसको स्टिच लगा दी है। अब इसके बाद फाइनल स्टिचिंग हम इसको लगाएंगे इस तरह से अंदर की साइड पे टर्न करते हुए और किनारे किनारे पे स्टिचिंग लगा लेंगे। तो इसमें छोटी छोटी सी हमारी कहीं कहीं को प्लेट्स भी आने वाली है, तो वो आप इसमें दे दीजिएगा इस तरह से। तो अगर आप इसमें प्लेट नहीं देंगे तो ये नहीं लग पाएगी गाइस, क्योंकि जो गाउन है हमारा ऊपर से इसकी विड्थ कम हो जाती है, तो इसलिए इसमें ये छोटी छोटी सी प्लेट भी पड़ने वाली है कहीं कहीं को। तो पूरे को इसी तरह से आपको कहीं कहीं को ये प्लेट देते हुए जहाँ पर भी आपको लगे प्लेट आ रही है वहीं पर इसको इस तरह से दबाते हुए प्लेट दे देनी है और स्टिचिंग लगा देनी है। तो ऑल राउंड इसी तरीके से आपको इसको अच्छी सी फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग लगा देनी है।
तो गाइज अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतने आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। मोटिवेशन मिलता है गाइज जब आप सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो, आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID का नाम भी खुशी ड्रेस डिज़ाइनर है, वहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस स्टिच को इस तरह से लगा दिया है पूरे को। अब जो हमने यहाँ से थोड़ा सा स्टिच को रिमूव किया था, यहाँ से हम इसको स्टिच लगा देंगे फिर से। सो हमने इसको स्टिच लगा दी है गाइज, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो गाउन है वो फाइनल हो गया है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं, नीचे से इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरीके से आई है। तो आप स्टिच ही यूज़ करें नीचे में, तो इससे और भी हमारा गाउन हैवी लगने वाला है गाइज। तो देख सकते हैं आप, पार्टी वेयर सिंपल सा हमारा गाउन बन करके रेडी है। तो इस तरीके से आप इस गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर से बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।